गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। बड़ो को पाए बिना छोटो को हेलो। ओ माय गॉड, तो ये खतरों का खिलाड़ी है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते। बड़ों को प्यारी बोना और छोटों को हेलो। तो भाई मौसम मतलब बूंदाबांदी हो रही है, एकदम बढ़िया मौसम कहते हैं ना, जबरदस्त वाला मौसम हो रहा है। और इस वक्त मैं हूँ कश्मीर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ कश्मीर में कहाँ पहुँच गया सीधा, तो सीधा कश्मीर में नहीं पहुँचा, आया दिल्ली से ही हूँ। और अब आप लोग भी दिल्ली से ही आने वाले हो, तो चलो मिलते हैं दिल्ली में। तो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दिल्ली। सामान वगैरह मैंने बाइक पर पूरा बांध लिया और मेरे साथ देखो कौन कौन जा रहा है। कौन कौन मतलब सिर्फ मेरे दो बैग जा रहे हैं, ये दोनों नहीं जा रहे। भाई चलना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं तो साहिल से ही मैंने पूछा था, लेकिन मैंने उसको बता दिया था काफी ज्यादा लॉन्ग राइड है, तो ठीक है। बीवी बच्चे वाले आदमी है तो फुल ऑन एंजॉय होने वाला। अभी यहाँ से मैं जाऊँगा पहले अमित के घर पे हिसार, वहाँ पे अपना रात का डिनर है, उसके बाद वहाँ से निकलेंगे जम्मू के लिए। तो चलिए बाकी बातें चलते चलते करते, रास्ता बहुत लंबा है, सफर बहुत लंबा है, एंजॉय करेंगे। बाय बाय। तो भाई रेडी है निकलने के लिए, एक सरप्राइज और है। ये इंसान ध्यान से देख लो इसे, ये और साहिल दोनों भाई ड्यूक 390 पे हिसार तक जा रहे हैं हमारे साथ। तो मैंने मना किया इन दोनों को, लेकिन कह रहे नहीं भाई चलेंगे, छोटी सी राइड हमारी भी हो जाएगी। लेकिन छोटी नहीं है भाई, 180 किलोमीटर है, मज़ा आएगा। लेकिन क्योंकि मौसम भी अभी ठंडा है, रात को टाइम कितना हो गया, 9:20 हो चुके हैं ऑलरेडी। निकले फिर चलो फटाफट से। तो अपना तो रूल है कि कहीं भी जाना है गुरुद्वारे होके जाना है। तो सुबह में गुरुद्वारे हो आया था, लेकिन अभी बाहर से एक बार मत्था टेक लेते हैं। कृपा करना वाहेगुरु दाता जी, बख्श लेना गुना हमारे, अच्छी अच्छी राइड करवाना। तो चलिए हिसार को निकलते हैं। तो यार आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। एक्साइटेड होने के दो रीज़न है, पहला तो लद्दाख जा रहा हूँ और दूसरा मैं ये कावासाकी लेके जा रहा हूँ जो फुल धमाल मचा देगी। मतलब बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मैं आपको क्या ही बताऊं कि लद्दाख की राइड कैसे हो जाएगी इस पे पता भी नहीं लगेगा, ऐसा मुझे भी महसूस हो रहा है, वो तो वहाँ जाने के बाद पता लगेगा। तो अभी रात को ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, अंधेरा है, कुछ व्यू भी नहीं दिखा पाऊँगा। बीच में कोई बढ़िया सा सीन आएगा तो दिखाऊँगा, नहीं तो सीधा मिलेंगे हम अमित के घर पे। ये खुद भगवान आ गए हमें लेने। भगवान, हम पिछले आधे घंटे से गलियों में घूम रहे हैं, हमें नहीं पता लग रहा। मेरे को पता क्या लग रहा था, मैं कह रहा हूँ लद्दाख कैंसिल हो गया, अमित का घर मिल जाए वही बहुत बड़ी बात आज तो। बड़े बड़े, अरे क्या हाल है भाई के, और कैसे हो? तो भाई 2.5 करोड़ साल बाद हम अमित के घर पहुंच गए हैं। गजनी दो मोड़ कहे थे, वो भी राइट ना मुड़े तरह। तो यहाँ खान पान चल रहा है। आंटी आपने खा लिया? हाँ बेटा खा लिया। भाई तुम भी चलो साथ, भाई मत लेके जाओ। चलो भाई मिलते हैं फिर, थैंक यू भाई। ओके ओके आंटी जी, मिलते हैं फिर 10 दिन बाद, ठीक है। तो निकल रहे हैं अब अमित के घर से, डिनर वगैरह बढ़िया हो गया एकदम, और टाइम अभी हो रहा है 1:33 एग्जैक्ट। बारिश देखो, बारिश कितनी तेज हो रही है। चलो चलें मंजिल की ओर। टैंक फुल हो गया, अब टेंशन नहीं है, अब खींचते हुए निकलते जाएंगे, लुधियाना पहुंच जाएगी इसी में ही, या लुधियाना क्रॉस कर लेंगे। चलो भाई। तो देखते ही देखते दिन निकल गया, और अपने रेनकोट वगैरह उतारने के लिए रुके थे, बिकॉज रेनकोट पहने होते हैं ना तो वो फर 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 करके हिलते हैं जब बाइक तेज चलाओ। तो तब सब कुछ दोबारा सेट कर लिया और अब निकलने को तैयार।
टाइम हो गया है सुबह के 5:55। तो बाइक हमने अभी तक ज़्यादा नहीं चलाई, 312 किलोमीटर ही चलाई है सिर्फ, क्योंकि बीच में एक डेढ़ घंटा सो गया था मैं, फिर बारिश चालू हो गई, रेनकोट वेनकोट पहने, तो काफ़ी टाइम कंज्यूम हो जाता है अगर ऐसे हो तो। अरे भैया रोक दो, बस रोक दो, उनको जाना है। देखो भाई साहब सुबह सुबह का टाइम है, अगर 2 मिनट के लिए ब्रेक मार लेता तो वो लोग बैठ जाते, पता नहीं कहाँ जाना होगा उनको, कोई मतलब नहीं है इसको। तो मौसम एकदम बढ़िया हो गया, मज़ेदार वाला कहते हैं ना, ठंडी हवा चल रही है हल्की हल्की, और हम बस लुधियाना पहुँचने वाले हैं, तो मौसम का तो अंदाज़ा आप लगा ही सकते हैं। हल्की हल्की धुंध ओस सी दिख रही है खेतों में, मतलब चिल्ड सा मौसम हो रहा है। और कभी भी आप लॉन्ग राइड पे जाएं या शॉर्ट राइड पे जाएं, तो जैसे आपके आगे राइडर चल रहा है तो उसका ध्यान रखें, ध्यान ऐसे कि मतलब उसके बैग वगैरह एकदम प्रॉपर बंधे हुए हैं कि नहीं बंधे हुए। जो आपके पीछे वाला होगा वो आपका ध्यान रखेगा, इससे क्या होगा कुछ अगर गड़बड़ होगी तो आप उसको बता सकते हैं, हाँ भाई तेरी वो तन्नी खुल रही है, वो बैग खुल रहा है, वो प्रॉपर बांध लेगा। तो आपने एक दूसरे का ध्यान रखना होता है, उसी में दोनों की भलाई होती है, आपकी भी और उसकी भी। अल्टीमेट लोकेशन मैन, अल्टीमेट लोकेशन। तो भगवान करे हमें ऐसी अच्छी अच्छी जगह घुमाता रहे, हम अपने साथ आप लोगों को भी घुमाते रहेंगे। तो कभी भी आप लेह लद्दाख की ट्रिप करें, कोशिश करें ये कश्मीर वाले रूट से जाएं, जम्मू होते हुए श्रीनगर होते हुए सोनमार्ग, और वापसी जब आएँ तो रोहतांग मनाली होते हुए वापसी आएँ। तो इसमें क्या होगा, आपका सर्किट भी कम्प्लीट हो जाएगा और रोड भी आप देख ही रहे हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मज़ा आ रहा चलाने में बाइक। लो जी देखते देखते सूर्य देवता भी आ गए हैं, अब थोड़ी देर में ये गर्मी बरसाना शुरू कर देंगे। तो हमने तो ये सोचा था इनके निकलने से पहले थोड़ी ठंडी जगह पे पहुंच जाएंगे, लेकिन वही है जो सोचते हैं ऐसा कभी नहीं होता। तो कभी भी सोच के मत चलो कि हाँ इस टाइम तक हम यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि वो होता ही नहीं है। रास्ते में कितनी दिक्कतें आती हैं, कितनी परेशानी आती है, वो बंदा सोच के नहीं चलता। तो रात को इतनी तेज़ बारिश थी जिसकी वजह से हम काफ़ी लेट हो गए, थोड़ी देर रुकना भी पड़ गया पेट्रोल पंप पे, लेकिन अब सब एक्यूरेट है, रास्ता भी बढ़िया है, साथ भी बढ़िया है, और आप लोग तो हैं ही अपने साथ, मज़े चल रहे हैं मज़े। ओ ओ ओ ओ ओ तो अमित घर से चाय लेके आया गरम गरम, अभी नहीं लेके आया, वहीं से लेके चले थे मिल्टन की बोतल में, अब यहाँ बैठ के चाय पियेंगे मस्त एकदम। नींद भी आ रही थी हल्की हल्की फिर से, तो गरम गरम चाय पियेंगे नींद खुल जाएगी। क्या बात है क्या बात है, व्यू देखो, पानी का प्रेशर देखो भाई साहब, मज़ा आ गया। लोकेशन इतनी बढ़िया है, तो अमित जो है ना इस रूट से काफ़ी बारी ट्रैवल कर चुका है, तो उसको काफ़ी बढ़िया बढ़िया लोकेशन पता है। तो इसने पहले ही बताया था कि वहाँ जाके चाय पियेंगे हम, मैंने लगा कौन सी जगह, इसने बताया वहाँ नहर बहती है वहाँ पर। तो मज़ा आ गया भाई, पैसे वसूल हो गए पैसे वसूल, सुबह सुबह की चाय। टाइम अभी 7 बज रहे हैं 7 बजे हम यहाँ बैठ के चाय पी रहे हैं, ऐसा सोचा नहीं था लेकिन मज़ा आ गया। तो चाय पी के एकदम बढ़िया वाला मज़ा आ गया, नींद अच्छे से खुल गई है। और अभी हमने बैठ के डिसाइड किया है कि हम जम्मू नहीं रुकेंगे, जम्मू से ऊपर एक जगह पड़ती है उधमपुर, वहाँ पर रुकेंगे। जम्मू में हल्की फुल्की गर्मी मिल सकती है लेकिन उधमपुर में मौसम बढ़िया मिलेगा। और एक फ़ायदा हो रहा है, थोड़ा रास्ता और कवर हो जाएगा, जिससे हमें कल फ़ायदा होगा, कल हमें कम रास्ता कवर करना पड़ेगा। तो जितना ज़्यादा कवर कर सकते हैं दिन दिन में उतना बढ़िया रहता है, देखते हैं बाकी जहाँ डेस्टिनी ले जाए, जो भगवान को मंजूर है रुकना वहीं है, इंसान तो कुछ भी सोचता रहता है। अमृतसर यहाँ से 128 किलोमीटर है और जलंधर 47। वाह वाह वाह, कितनी बड़ी मूर्ति है शिवजी जी की, और अल्टीमेट ही लग रही है। तो जैसे ही आप लाडोवाल का टोल क्रॉस करेंगे तो आपको ये राइट हैंड साइड पे दिखेगी, ज़बरदस्त। तो मैं दोनों पैर फ्रेम स्लाइडर पे रख के बैठा हूँ,
बिकॉज जो पठानकोट की तरफ रोड जाती है बहुत ही बढ़िया रोड है, एकदम सीधी सीधी, ना ज़्यादा रश है ना कुछ है, मतलब मज़े से आ रहे हैं, आराम से दोनों पैर ऊपर रख के हल्की सी रेस दे के चलते चलो चलते चलो। तो यहाँ के घरों की टैंकियाँ देखो कैसी होती है, जो पानी वाली टैंकी होती है, चील बनाई हुई, चील। तो यहाँ पे मोस्टली हर घर में ऐसी टैंकी बनाई होती है, किसी ने चील, किसी ने एरोप्लेन, मैंने एरोप्लेन भी देखा था एक बारी। गुरदासपुर 40 किलोमीटर, पठानकोट 56 किलोमीटर, तो बस पहुँच ही गए अब तो, 56 किलोमीटर ज़्यादा नहीं होते। और पठानकोट से उधमपुर आई थिंक होगा कोई 125 के लगभग आई थिंक। तो एक बार पठानकोट पहुँच जाए, वहाँ ब्रेकफास्ट करते हैं, उसके बाद गूगल मैप पे देखेंगे वहाँ से कितना पड़ता उधमपुर। लेकिन रुकना उधमपुर पे ही है क्योंकि तो वहाँ ऐसा महसूस हो रहा है मेरे को कि मौसम थोड़ा ठंडा होगा, ठंडा होगा तो मज़ा भी आएगा। पता है राइडिंग का असली मज़ा कब आता है, जब एकदम से धूप गायब हो जाए और ऊपर काले बादल आ जाए। इतना बढ़िया मौसम हो गया सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर, अभी पीछे इतनी तेज़ धूप थी और एकदम से ये देखो पेड़ देखो कैसे हिल रहे हैं, और पूरी शरीर में एनर्जी वापसी आ गई है। अभी ऐसा लग रहा था कि हाय यार थक गए हैं, रात से बाइक चला रहे हैं, पानी चाहिए, ये चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है भाई साहब इतना बढ़िया मौसम है, सीधा ले ही जाके रुकूंगा, उससे पहले रुकना ही नहीं है। तो यही फ़र्क होता है बढ़िया मौसम और घटिया मौसम में। तो एकदम से एनर्जी मैं क्या ही बताऊँ यार, मेरी आवाज़ से ही फील हो रहा होगा, पहले वाली आवाज़ मेरी स्लो स्लो, अब एकदम से कहते हैं ना जोश वाली, मज़ेदार वाली। ये क्या बात है, क्या बात है, बादल देखो यार इस तरफ। मेरे को तो लग रहा है 10-15 मिनट की वीडियो इसी एरिया में बन जाएगी। अरे वाह वाह वाह, ऊपर देखो, आगे देखो, पीछे देखो, चलो चलो आगे चलते हैं और मजे लेंगे। लो जी लो, इसी का इंतजार था, बारिश स्टार्ट हो गई है, जैसी तेज होगी हम फटाफट से अपने दूसरे रूप में आ जाएंगे, रेनकोट वाले। लेकिन लग नहीं रहा क्योंकि बादल काले भी हैं और सफ़ेद भी हैं, तो हो भी सकती है तेज़, नहीं भी हो सकती, चलो जो भी है देखा जाएगा। ये कपाला फुल स्पीड में, फुल जोश में, अरे वाह। तो अभी गोप्रो तो अपना पूरा सेफ है, सुबह ही उस पर वो ब्लू टैग लगा दिया था, वो जो च्युइंगम जैसा था ब्लू कलर का। तो थोड़ा आगे जाके देखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ बारिश हो रही है 1 किलोमीटर बाद नहीं हो रही, तो पता लग जाएगा आगे जाके नहीं हो रही होगी तो फिर नहीं पहनेंगे रेनकोट। ऐसे ही इतने मज़े आ रहे हैं यार। अब रोक के पहन ही लिया जाए, बहुत तेज हो गई बारिश। तो बारिश रुक गई है, अब हाफ एन आवर यहाँ पर वेट किया, तब तक अमित ने एक पावर नैप ले लिया और मैं जाग ही रहा था। मैंने एक दो फोटो एडिट करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दी, कुछ ना कुछ तो करते रहना ना बैठे बैठे। तो अब निकल रहे हैं, बारिश रुक गई है, रोड गीली है, थोड़ा ध्यान से चलाना पड़ेगा, लेकिन मौसम कहते हैं ना अल्टीमेट वाला हो गया है। और जब भी निकलो तो एक बारी बस चेक कर लो कुछ रह ना जाए वहाँ पर, क्योंकि आगे जाके याद आया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। दैट्स इट, लेट्स गो। एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बढ़िया वाली कहते हैं ना। और यहाँ पर एक भाई स्टंट मारता हुआ, भाई ये क्या कर रहा है, क्या करके मानेगा। ओह माय गॉड, तो ये खतरों का खिलाड़ी है, आराम से लेटा हुआ है।
तो भाई ये कहीं अपने में ही ना घुस जाए उसको देखने के चक्कर में पता चले हैंडल हमारी तरफ घुसा और हमारे में घुस गया। सही में तो भाई खतरों का खिलाड़ी है। चलिए हम निकलते हैं आगे। तो अभी पठानकोट पहुंच गए हैं। सुबह से कुछ खाया नहीं था, रात को अमित के घर से खा के निकले थे। रास्ते में 2-3 कोल्ड ड्रिंक पी थी और चिप्स वगैरह खाए थे। भूख काफ़ी लग रही थी, अब थोड़ा खाना वाना खा लेते हैं। इसके बाद यहाँ से अराउंड 150 किलोमीटर रह गए, 150 रह गया ना, 150 रह गया। और टाइम अभी 1 बज रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे शाम के 5-6 बज रहे हैं। तो हार्डली पहुँच जाएंगे 150 किलोमीटर, 4 या 5 बजे तक पहुँच जाएंगे रोशनी रोशनी में ही। और बारिश इतनी है, एक भी ड्रोन शॉट नहीं ले पाए बारिश की वजह से, लेकिन मौसम मज़ेदार हो गया। जैसे जैसे बारिश बढ़ती गई हमें भी मज़ा आता गया। चलो ठीक है, खाना खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। भगवान करे आगे बारिश ना मिले, मौसम ऐसा ही मिले ताकि हम एक दो बढ़िया ड्रोन शॉट ले पाएँ आपके लिए। यार ड्रोन शॉट के बिना वीडियो अधूरी सी लगेगी मेरे को पता है, लेकिन जो ऊपर वाले को मंजूर हो। चलिए खाना खाते हैं फिर। चलो भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। तो ये भाई स्पेशल कितना आपने 1-2 किलोमीटर पीछा करा था? 2-3 किलोमीटर इन्होंने पीछा करा, लेकिन हमारी बाइक की स्पीड करीबन होगी 100 और इनकी स्कूटी की 73। लेकिन बाय चांस की बात हम यहाँ खाना खाने रुक गए और भाई ने हमें पकड़ लिया, लेकिन बहुत अच्छा लगा यार मिलके। चलो फिर मिलेंगे, चक्कर लगता रहेगा। तो अभी हम उधमपुर से अराउंड 25 किलोमीटर पहले ही हैं। हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और मौसम मतलब चिल्ड है कि राइडिंग जैकेट के अंदर भी हल्की हल्की ठंड लग रही है, कान सुन पड़ गए हैं। तो भाई मैं तो ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप लद्दाख राइड पर आ रहे हैं जम्मू की तरफ से, तो जम्मू ना रुक के उधमपुर रुक जाइए। 80-90 किलोमीटर ही ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जम्मू में आपको गर्मी मिलेगी, यहाँ मौसम ठंडा, रात को बढ़िया नींद आएगी, एकदम फ्रेश फील करोगे सुबह उठ के, मतलब मज़ेदार सा है। तो मुझे तो यही लगा, तो मैंने सोचा आपको ही बता देता हूँ। लो जी लो बल्ले शेरा, आ गए मज़े। तो देखते हैं कोई शेड जिसके नीचे रुक के हम चेंज कर सकें और अपने दूसरे भेस में आ सकें। मतलब जल्दी नहीं है, थोड़ी बहुत तो बारिश में घूमना भी चाहिए, मज़ा तो आए यार इतनी दूर से करने के आए हो अगर तुम बारिश से भी डरोगे तो। लो जी मैं इन बादलों को देख के तगड़ी बारिश की बात कर रहा था, बारिश तो बंद ही हो गई है, मे बी उस माउंटेन पे हो रही हो क्योंकि कितने ही घने बादल लग रहे हैं। लो फिर से स्टार्ट, तो यहाँ पर चलता रहता है। 5 मिनट आपने बाइक चलाई, बारिश हो रही है, 5 मिनट एकदम सूखा पड़ा हुआ है, फिर थोड़ा हल्का सा आगे गए फिर बारिश स्टार्ट। ये देखो पीछे बारिश हो रही थी, बीच में गायब हो गई, अब फिर बारिश हो रही है। ओहो आगे तो बहुत तेज हो रही है, अगर आप सामने देख पा रहे हैं तो मज़ा आ गया। तो हल्का सा वापसी ले रहे हैं बिकॉज यहाँ से 2 मिनट की दूरी पे बारिश नहीं हो रही थी, क्योंकि अब सिर्फ 20 किलोमीटर रह गए हैं पूरे, फिर रेनकोट वगैरह पहने लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। तो हमें बाइकें छुपाने के लिए जगह मिल गई अच्छी खासी, कोल्ड ड्रिंक और चिप्स खा रहे हैं। बारिश रुकते ही कितना किलोमीटर आ गया, 15-20 किलोमीटर आ गया, हार्डली आधा घंटा लगेगा पहुंचने में, पहुंच जाएंगे यार जल्दी, क्या है अभी तो दिन है।
तो भाई अभी आज का जो हमारा स्टे है वो है उधमपुर में, और ये जो हमने रूम लिया ये लिया 900 रुपीज में, और ये अपने छोटे छोटे भाई मिलने आए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए ये कि भाई इनको नहीं पता था, आपको नहीं पता था कि हम यहाँ रुक रहे हैं या कुछ, कोई राइड है यहाँ की बाइक देख के। तो इन्होंने बाइक देखी, पहले तो कावासाकी देखी, फिर ये फोटो खिंचवाने के लिए गए, फिर क्या हुआ, फिर बैनर देखी, फिर आपका नाम पढ़ा। ओहो, दौड़े। क्या बात है, क्या बात है। तो अच्छा लगता है ऐसे मिलने आते रहते हैं भाई। और अमित अभी क्या हुआ, एयरटेल की सिम लेने, बिकॉज आगे का जितना भी रास्ता है वहाँ पर एयरटेल की सिम चलेगी और कोई सिम नहीं चलेगी। उसके साथ साथ मैंने उसे डिनर भी मंगवा लिया है, मैं डिनर रात को यहीं पे करते हैं क्योंकि बाहर जाने की हिम्मत नहीं है, रात से राइड कर रहे हैं और कल निकलेंगे सोनमार्ग के लिए। तो आने दो डिनर, डिनर दिखाता हूँ, उसके बाद इस ब्लॉग को एंड करते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अमित खाना ले आया है, पनीर दाल, तो मेरे को तो अभी इतनी भूख भी नहीं है लेकिन खा लूँगा। और यहाँ हमसे एक भाई और मिलने आया है। इस भाई ने आज बहुत वेट किया, कितनी देर वेट किया भाई? लगभग 3 घंटे वेट किया। कहाँ पर? नेशनल हाईवे पे 3 घंटे भाई ने वेट किया। तो यार ऐसे वेट मत किया करो, अगर कोई आइडिया नहीं है कि आपको हम उस रूट से निकल भी रहे कि नहीं निकल रहे, क्योंकि हमें बुरा लगता है जब बाद में पता लगता है यार किसी बंदे ने वेट किया, लेकिन ये ढूंढते ढूंढते पता नहीं किसी तरह आ गया है यहाँ पर। तो चल भाई थैंक यू, मिलने आए आप। तो पूरा ढूंढते हर एक मतलब की लोकेशन पे, हर एक जो होटल पड़ता है वहाँ देखते यहाँ से एक स्टोरी से मुझे पता चला कि भाई यहाँ। तो हमने एक स्टोरी डाली थी वहाँ से, इसने पता नहीं कैसे ढूंढ के, मतलब समझ ही नहीं आई कहानी, बस इसने ढूंढ लिया जितने होटल हैं यहाँ पर उदयपुर में सबके सब देख मारे। तो चलो अच्छा लगता है आप लोग ऐसे मिलने आते हैं, लेकिन भाई वेट इतना इतने घंटे मत किया करो अगर आपको प्रॉपर नहीं पता। तो बस यही बताना था, आज की वीडियो वैसी बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो होप करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ देना, लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। इंट्रो बोल सकता हूँ? हाँ हाँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, नमस्ते, बड़ों को पाई भी ना हो छोटों को हेलो, व्हाट्स अप एवरीबॉडी। क्या बात है, क्या बात है, बढ़िया होंगे मेरी तरह भाई, दिल खुश कर दिया इसने तो। फेमस जगह अल्टीमेट पिक, अल्टीमेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो ऐसे हो लाडलो लाडलो तो खाने में बिजी है, उसको भी नींद आ रही है, वो कह रहा खाना खा के सोऊंगा, तो मैं भी थका हूँ। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चल भाई, ओके बाय बाय।